वेलकम बैक पी एच आमी टू द चैनल, जहाँ पे गाइस आज एक बार फिर से अपन आ चुके हैं पोकेमोन सेप्टू के ब्रांड न्यू एपिसोड में। और गाइस आज अपन यहाँ पे भाई माउंट टेम्पोरिटा के ऊपर, और यहाँ पे भाई लास्ट टाइम अपन आए थे, लास्ट टाइम अपन ने ओलिन से मिला था और उसके साथ मिलके एक बैटल किया था भाई अपने, जो कि एग्जीक्यूटिव के साथ था भाई रेग्रिस के, एंड उनको अपन हरा दिए थे। उसके बाद अपन हार भी गए थे और अपना एपिसोड काफ़ी लंबा भी हो गया था, तो अपन भाई यहाँ पे अपन ने एपिसोड को एंड किया था। वैसे मैंने पोकेमोन सेंटर में एंड किया था बिकॉज मैं हार के वहाँ चले गया था, बट अभी मैं भाई हीलिंग सब करा के वापस आ चुका हूँ। और आज अपन को जो बचा कुचा भाई पूरा माउंटेन है उसको एक्सप्लोर करना है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे बची हुई है उसको एकदम अच्छे से देखना है और देखना है कि आज अपने साथ क्या होने वाला है। आई होप भाई आज हमको मिल जाए वो जो जिनका हमें इंतजार है, जैसे कि प्रोफेसर एस्पन हो गए। लास्ट टाइम हमें सिर्फ ओलिन दिखी थी, बाकी और अपने जो टीम के मेंबर्स थे वो सब लोग गायब चल रहे भी, तो उनको भी ढूंढना है भाई अपन को। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा केव है, तो देखता हूँ मैं भाई क्या करना है मेरे को। यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे आया था लास्ट टाइम में, हाँ यहाँ पे आया था भाई, ये बात मेरे को याद आई, अभी याद आई भाई। ओके यहाँ से कुछ नहीं है, उड़ी मार के आ जाऊँगा यहाँ पे। नीचे गया था ना, अच्छा इस बंदे से आ रहे थे भाई लास्ट टाइम ये बंदे ने अपन को हराया था। इसके पास पावर ही बनता और अपने पास भाई ऐसा कोई पोकेमोन नहीं था जो इसको हरा पाए भाई, या फिर नहीं अपने सब पोकेमोन मेजॉरिटी में फेंट हो गए थे इस वजह से अपन हारे थे, वरना अपन इसको हरा देते भाई, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। चलो यहाँ पे भाई अपन ने इसको ऑलमोस्ट फेंट कर दिया, बट ये भाई काफ़ी चिढ़ा हुआ बंदा है, हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, ना फेंट हो रहा है ना हमें करने दे रहा है फेंट दोनों। अरे यार हाइपर पोशन, कोई बात नहीं, हाइपर पोशन ने पूरी एचपी रिस्टोर नहीं की थी, बट जितनी की थी भाई उतने में उसका पूरा काम हो जाता अगर उसका हाइड्रो बम लग जाता, बट वो मिस हो गया, इसकी वजह से हम जिंदा बचे, हमारा 109 भी चले जाता भाई। चलो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या है अभी। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, बहुत बड़े लोग हैं भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ही लोग हैं यहाँ पे यार। रेग्रिस के मेम्बर हर जगह फैले हुए भाई, इतने ज़्यादा तादाद में फैले होंगे मैंने सोचा नहीं था भाई, सच बता रहा हूँ भाई, कितने ज़्यादा मेम्बर्स भाई रेग्रिस के अंदर, कितने लोग को रोज़गार दियो भाई। चलो देख रहे हो जो बेरोज़गार लोग हैं ना भाई, चले जाओ इनकी फॉर्म भर दो, इंटरव्यू दो और उसके बाद नौकरी ले जाओ भाई। काफ़ी ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट दे रहे भाई लोग, गवर्नमेंट से बढ़िया काम कर रहे भाई। चलो ओहो लुकारियो ए, बट आई मैं नहीं पकड़ना चाहूँगा भाई, इतना लेट आके कौन पकड़ेगा। वेट ए मिनट, यहाँ पे मैं, अबे एक मिनट, सब 75 के इसकी वजह से क्या। ओके यहाँ पे घुमा फिरा के मैं लौट के आ गया भाई, इस बंदे से मैं बैटल करके ऊपर चढ़ा था और ये घुमा फिरा के वही रास्ता है। ओ शिट गाइस, मतलब इसमें कुछ नई बात नहीं है भाई, उन सबसे मैं ऑलरेडी बैटल कर चुका हूँ। ये घुमाऊ अपन को झंडू बम बनाने के लिए था, पागल बनाने के लिए था ये रास्ता, इस बंदे से बैटल नहीं हुई है। कोड एम, पता नहीं कोड एम क्या है, कोड एम बोला उसने। डिऑक्सिस है इसके पास, डिऑक्सिस को फेंट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ फ्लेम थ्रोर मारूँ एकदम। अरे हाइपर बीम, इसको एक टन भाई आराम भी करना पड़ेगा, बट ये हीट में फेंट हो गया भाई। डिऑक्सिस भाई एक फ्लेम थ्रोर में फेंट हो जाए ऐसा होना नामुमकिन है भाई, एनिमी में ऐसा तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा भाई। रेक्विजा के साथ इतना खतरनाक बैटल किया था भाई, एकदम रेक्विजा के साथ भाई एकदम हाथ से हाथ मिला रहा था भाई, तो फिर ऐसे एक फ्लेम थ्रोर में हार जाए डिऑक्सिस भाई, कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा भाई। कोई नहीं, मैं तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये अंकल लोग ना सीढ़ी के पास पहुँचना है तो इनके सेंसेस ऑन हो जाते भाई, जाने नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे भाई, चाहे तुम जमीन आसमां एक कर लो, ये जान नहीं देंगे भाई तुमको। इनके अंदर बहुत चर्बी है भाई। कायुगर नाम का एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि नॉर्मल है भाई रैंडमाइजर मोड में, वरना फिर अपन देख के शौक हो जाते, बट रैंडमाइजर में क्या ही शौक होंगे भाई। अरे यार ये फेंट कर रहा है, ए भाई इलेक्ट्रिक टाइप फेंट हो गया अपने पास, और कुछ है भी नहीं, ग्रास टाइप एक पोके नहीं है भाई अपनी टीम में, एक भी नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, सीर कूल कर रहे यार, शिट ये तो ले जाएगा भाई, कायुगर ले जाएगा यार सबको, बड़ा अभी यहाँ पर दिक्कत वाली हो गई भाई सीन। आइस बीम ट्राई करता हूँ मैं, एकदम गंदा, अरे वाह फ्रोजन कर दिया भाई, अभी फेंट हो जाएगा। अब अपन को सिर्फ अटैक मार के इसकी एचपी खानी है बस, स्विफ्ट मार भाई, बट ये अपना फ्रोजन हील ना कर ले बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई मेरे को। अभी मैं फ्लाइगोन से अटैक मरवाऊँ कि किससे मरवाऊँ भाई, वो वाटर टाइप पोकेमोन यार, क्या बताऊँ मैं भी। आइस भी मैं मारता हूँ मैं, फ्रोजन सॉलिड तो भाई आइस, मतलब पहले से बर्फ़ में जमा है तो मे बी आइस उसको और ज़्यादा डैमेज देना चाहिए, बट ऐसा कुछ हो रहा नहीं है भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए ना अगर आप समझो पहले से जल रहे हो। अरे सीर कोल्ड से उसका हो गया सही, ओके भाई सीर कोल्ड, ओके मिस हुआ था भाई, फ्रोजन सॉलिड हट गया, फिर से हो गया बढ़िया, ऐसे ही होते रहे भाई। अरे शिट यार गाइस, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सच बता रहा हूँ,
रिवाइव किधर है भाई, ऐसे ही बहुत टाइम ले लेगा। अच्छा ऊपर है रिवाइव, रायचू भाई आ जा तू। ओके भैया विड्रॉ करते, रायचू का एक अटैक उसको फेंट कर देगा भाई, एक से दो अटैक। चलो थंडर बोल्ट पड़ेगा अभी, जल्दी फेंट होगा। ओके एक और अटैक बस ये फेंट। चलो यहाँ पे वैसे आइस भी मार मार के पक गया भाई, मैं फेंट ही नहीं हो रहा था। चलो यहाँ पे एकदम बड़ा मतलब दिक्कत जो था वो कम हुआ थोड़ा। यहाँ पे एक और बंदा है, उसको भी भाई कितने बंदे यार यहाँ पे, लोग जाने नहीं देते भाई। ओके एप्सॉन नाम का इसके पास एक खतरनाक पोखरन है जिसको फेंट करने के लिए मेरे को थंडर टाइप अटैक करना पड़ेगा, बट ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसको। ओहो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भाई। पहले ऐसे मूव, ओ सकर पंच यार शिट, सकर पंच गंदा वाला हिट दे देता भाई। और एप्सॉन जैसा डार्क टाइप खतरनाक वाला डार्क टाइप अटैक मार रहे तो भाई फिर तो और ही है। अरे यार क्वेजेट मार भाई, ओ शिट। ओके अरे यार हाइपर पोशन यूज़ कर लिया उसने बंदे ने, मैं एक्वाजिट ही करूँगा क्योंकि वो सकर पंच करेगा तो मिस हो जाएगा। वाह चलो यहाँ पे बहुत बढ़िया ओपी। चलो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते। ओके यहाँ पे भाई प्रोफेसर एस्पन भी है, ओली अपन को ऑलरेडी मिल चुकी थी लास्ट एपिसोड में, एस्पन यहाँ पे मिल रहे, अब देखते क्या होगा। एस्पन लेट्स टेक केयर ऑफ देम टुगेदर, मेक अ जस्ट इन टाइम, लेट्स गो। ओ वाओ ट्राइंग टू फाइट द पुलिस, डोंट मेक अस लाफ। ओ शिट गाइस मैंने इनको देख तो लिया एस्पन को, बट मैंने अपने पोकेन को सिक्वेंस में रखा नहीं, जिसकी वजह से भाई अब यहाँ पे दिक्कत आएगा बिकॉज सामने रेजाई से। यार मैंने सिक्वेंस में क्यों नहीं रखा अपने पोकेन को यार, शिट मैन ये काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी भाई मेरे लिए, सच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा ये चीज़। अरे वाह भाई प्रोफेसर एस्पन काफ़ी कमाल लग रहे भाई मेरे को, हेराक्रॉस की एक अटैक से उन्होंने उसके चेंजों को फेंट करा दिया जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और मेरा यहाँ पे क्या करूँ यार, हैक्सोरस तू चल भाई। वैसे इनके पास भी सिर्फ एक हेराक्रॉस ही है जो कि दिक्कत दे सकता है भाई अपन को बिकॉज अब अरे शिट यार अर्थक्वेक आते हैं उसको, ओ शिट गाइस राइडोन को निपटाना बहुत ज़रूरी है। मैं मारता हूँ उसको ड्रैगन क्लॉ, उसने गलती से एक और किया ना अर्थक्वेक तो अपने को चलो यहाँ पे बढ़िया। वैसे उसने रजेश को काफ़ी अच्छा डैमेज दिया, बट फिर भी यार अपने दोनों पोकेन को एक साथ डैमेज देगा तो सही नहीं है भाई अपने लिए। अरे वाह वेनोनाट तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से, तो उसको मेगा हॉर्न मिस हो गया यार शिट, अटैक मिस होता ना तो अच्छा नहीं रहता भाई थोड़ा, ऐसा फिर जमता नहीं। लीच लाइफ किया उसने जो कि हैगस्टर उसको फेड नहीं कर पाया। अब सामने सिर्फ दो पोकेन बचे और यहाँ पे अपन जीत सकते भाई। बुलडोज करूँगा तो सबको डैमेज पड़ेगा, एक काम कर तो ये कर दो टेक डाउन और ये ड्रैगन क्रॉस से फेंट हो जाएगा। ओके चलो एकदम बढ़िया भाई, प्रोफेसर एस्पन एकदम मस्त काम कर रहे हैं। वेनोनाइट को फेंट करने के लिए तो भाई चार्जर है अपने पास। अरे यार शिट पॉइजन फैंग से भाई बचा हुआ है, और देखते कर पाएगा कि नहीं। ओहो हो गंदा सीन भाई गंदा सीन। रायचू अच्छा हाँ रायचू भी बचा है भाई, वो फेंट थोड़ी हुआ था, फ्लेम थ्रोअर मारो ये जाएगा भाई। चलो यहाँ पे फेंट हो गया भाई, काफ़ी सही वाला अपन जीते भाई। अगर हार जाते तो फिर काफ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ता भाई वापस से, तो अच्छा अपन हारे नहीं। वी गॉट अ लेट बॉस नो अबाउट दिस, कीप गोइंग मिका, डार्लू इज ऑलरेडी क्लोज टू द पीक, आई विल वेट फॉर ओलिन एंड कैच विथ हर। ओके भाई तो वो ओलिन के लिए इंतजार करेंगे, और वो अपन पीक के एकदम पास आ चुके हैं अभी। डार्लो भाई आगे सब काम कर रहा है तो अपन को डार्लो को सपोर्ट करना पड़ेगा आगे पहुँच के। लेट्स गो गाइस अपन को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ना फिर भाई दिक्कत हो जाएगी उसके साथ। यार अपने दोस्त को अपनी मदद चाहिए, और मदद देने के लिए अपन भाग भाग के पहुंचने की कोशिश कर रहे, बट ये बंदे यार अपने रास्ते में रुकावट बन रहे और अपन को जान नहीं दे रहे। इनको मारने का मन कर रहा है, अपन मार भी रहे जितना अपने से हो पा रहे। ओके हैक्सोरस फेंटेड पड़ा हुआ है, कोई ना जंग में एक दो लोग घायल या फिर शहीद हो जाते तो होने दो, मतलब वो शहीद होते खुशी से भाई, गम में नहीं शहीद होते, ठीक है तो होने दो क्या दिक्कत है, जीतना है बस भाई उनके लिए। ओके यहाँ से मैं उड़ी मार के नीचे नहीं जाऊँगा, बिल्कुल वो गलती नहीं करूँगा भाई, वरना पता नहीं कहाँ फेंक देंगे ये बंदे, कितने हराम खोर यार, भाग के जाने नहीं देते भाई, सब पकड़ लेते, सब के सब पकड़ लेते, एकदम ऐसा लगता है ना नहा के मेकअप करके तैयार ही खड़े रहते, जैसे आए वैसे टूट पड़ेंगे। हाँ नहीं तो यार ओके भाई भाई फेंट हो जा, ये पावर भी अबे यार ये क्या है बे यार, ऐसा थोड़ी होता है बे। हाँ नहीं तो यार कहाँ गए भाई तू, कहाँ से आया भाई इतना जिद्दी, कहाँ से है तू, लड़की का है क्या, लड़की बड़की है क्या भाई, दिमाग ख़राब करते यार। अबे जल्दी जल्दी फेंट हो जाना चाहिए ना यार, अबे कोई कहीं जा रहा है दोस्त से मिलने जा रहा है उसको ढूंढ रहा, तो बीच में क्या अड़चन डालने का भाई, रास्ता खाली करने गए पागल लोग। वैसे ये लोग अपना काम ही कर रहे थे, इनके पर गुस्सा करके कुछ होने वाला नहीं है।
दे आर जस्ट डूइंग द वर्क, सो डोंट गेट एंग्री ऑन देम। ये भाई तरीब है इसकी टांग क्या अभी तुम लोग। विविलियन चलो ठीक है, राइचू फेन कर लेगा। ओ शिट मैन, थंडर बोल्ट पे गया ही नहीं बटन। इससे बड़ा पागलपंती कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं हो सकता भाई, सच में कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा पागल मैं, बहुत बड़ा ही पागल हूँ भाई मैं। चलो कोई बात नहीं, ओके। ये तो भाई एकदम चिपक ही गया भाई, मैं इससे जाके देखा ही नहीं उसको मैं। चिपक गया भाई एकदम जाके। कहीं फिसल जाता तो गंदा सीन हो जाता भाई। काकाशी के साथ जो हुआ था ना, जब नरूडो गिरा था ऊपर से, वैसा सीन हो जाता भाई अभी इस बंदे के साथ और मेरे कैरेक्टर के साथ। ओके फ्लेम थ्रोअर साइडक क्या ही बिगाड़ लेगा यार, ऐसा तुमको लगता होगा ना। अब देखो बिगाड़ रहे भाई, देख रहे हो चार चार को इसने रुला दिया भाई। डोंट टेक सो लाइटली सम, ठीक है ना, साइडक को लाइटली मत लो। वो जब भाई सिर पकड़ता है ना अब ना, तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं उसके सिर के सामने। हाँ ऐसा वैसा मत समझो भाई उसको। हीट वेव करूँगा, नहीं लगेगा हीट वेव, फैंटम फोर्स किया उसने। चलो ऑलमोस्ट मेरे सभी पोकेमॉन जा चुके भाई नींद में गहरी। एक्वा टेल मार भाई, अगर फेंट नहीं हुआ तो फिर फेंट करेगा, क्योंकि फेंट हो गया। अपन अभी काइंड ऑफ आगे बढ़ सकते हैं, अभी हीलिंग की उतनी ज़रूरत नहीं, बिकॉज अपने मेजोरिटी ऑफ द पोकेमॉन फेंट नहीं हुए। मीडियम में ऐसा चल रहा है भाई, हाफ हो गए हाफ बचे हुए। एक मैक्स रिपल मिला जो कि अपने उतने काम का नहीं था, बिकॉज यहाँ पे देखो मेरे को सावधानी से काम करना पड़ेगा, आइटम उठाना पड़ेगा और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर गलती से भी नीचे कूदता तो फिर थोड़ा गड़बड़ होता। और ये अंकल मेरे को दिख भी नहीं रहा था भाई, बिना दिखे इसने पकड़ लिया यार। यहाँ पे दो चार बुढ़े लोग को मैं हराता हूँ उसके बाद मिलता हूँ यार, फालतूगिरी चल रहा है यार यहाँ पे पूरा। ओके गाइस यहाँ पे मैं इसको भी हरा चुका, अभी दो बंदे थे यहाँ पे, दोनों को मैंने हरा दिया। अब अपन को सिर्फ ऊपर जाना है। और यहाँ पे भाई अपन को मिल चुका है डार्लो, एम्प्टी टेम्पोरेटर के टॉप पे आ चुकी है आई थिंक सो। यहाँ पे डार्लो मेरे ख्याल से छुपा हुआ है भाई पिलर के पीछे, अपन चल के बात करते हैं उसे। डार्लो ओलिन एंड एस्पेल विल कैच अप टू अस सून, व्हाट विल वी डू? से क्वाइट मैन, दिस इज रियली मेस्ड अप, वी हैव टू स्टॉप व्हाट एवर ही इज प्लानिंग। रेडी टू गो, वी प्रोबेबली कांट लीव द फाइट सो इजिली, इट्स एदर हिम और अस, सो व्हाट डू यू से? यस भाई चलो। It's so, Sino. As for you, Sina, I don't know why you are doing this, but it doesn't matter. As you said, I will do what I... Jo bhi tha bhai. Why are these pets still lurking around? I gave you an opportunity to leave, but no, you guys just had to continue on. I am so disappointed. Sina, take care of them. Ye fir se bhai, our last battle, your victory was nothing but mere luck. The element of surprise really caught me off guard. But now, I know what I am up against. Hey, one of you executives, help me out. On it, submit to the regress police. Okay, भैया तुमको क्या लगता है तुम इस चमगादड़ को पकड़ के मेरे इसको को हरा पाओगे? काफ़ी गलत सोच रहे हो यार तुम लोग, बताओ एक बल्बासोर मेरे को हराएगा? क्या बात है भाई, मेरे पोकेमॉन हील अप हो गए भाई। इसके पहले आने से पहले भाई मेरा सिर्फ, मेरे पास सिर्फ एक फ्लाइगन बचा था, उसके लिए मैंने भाई सबके ऊपर रिवाइव यूज़ किया था भाई। यार शिट यार, पूरा रिवाइव के पैसे बर्बाद हो गए भाई मेरे, पता होता तो मैं नहीं करता ना यार। इनको कौन समझाया, नालायक लोग यार, दिमाग ख़राब करते हैं, इनको पता नहीं पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते, कहाँ ही अक्कल होगा इनको। फोकट पे मिल रहा है ना यार बुरा काम करके। ओके रियन किलो से अपन हीट वेव मारेंगे, दोनों को लगे तो दोनों को लगे भाई। मडब्रे को लगता तो भी उसको ज़्यादा कुछ होता नहीं वैसे एक्चुअल में। हाँ चलो साइकिक से, अरे शिट 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 चार्ज चढ़ गया। एक्सोरस भेजते भाई, एक्सोरस मारेगा ड्राइविंग क्लॉ। पुमकाबू आ चुका है, चलो बढ़िया है। इन लोग के पास ज़्यादा कुछ खतरनाक पोखे नहीं है, सब नन्हे मुन्ने पोखे हैं जिनसे कुछ अपन को एक्चुअल में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मर्डरे को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है जो कि ठीक है, नॉमिनल डैमेज है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उतने डैमेज तो वो ऐसा अपना पाव पटक के खुद ले लेता होगा भाई। अरे शिट यार मर्डरे फेंट हो गया और दो पोखेन बचे पॉइंट में भी। अरे नहीं नहीं इसके पास और पोखे हैं भाई, अच्छा इसके पास दो पोखेन है। चलो प्रोफेसर एस्पेन और उसे ओलिन से तो बढ़िया ही है भाई इसकी टीम, कम से कम दो पोखेन है भाई इसके पास। फोकस एनर्जी क्या कर रहा है भाई, पिटने का है इधर को, मेरे को भी पिटवा देगा तो साथ में। मार भाई अटैक मार वरना तू जाएगा मेरे को भी लेके जाएगा। चलो ये बढ़िया काम किया इसने ड्रिल पिक से, सुपर इफेक्टिव भी था, फेंट भी हो गया 1 मिनट में। इसके ऊपर भी कर दी भाई ड्रिल पिक, ये भी चले जाएगा। अरे तू भी सो गया भाई, ओके ये अच्छा हुआ भाई, एक सोया तो दूसरा उड़ गया और दूसरे ने फेंट कर दिया, ये थोड़ा अच्छा सीन हुआ, वरना पता चलता भाई दोनों ने लुढ़क जाते आज। अब क्या भाई, ओके वो खुद ही चले गए पीछे। आर वी लेट टू द पार्टी? सही बात है, तुम बहुत लेट आए,
हमने पूरा माहौल यहाँ पे ठंडा कर दिया। ओ लुक्स लाइक सीना इज ऑलरेडी आउट, दैट वॉज क्विक। दिस इज द लास्ट पीस ऑफ द स्टोरी। द किंग किंग सीना टेकिंग डार्क राइ फार अवे सील्ड इन द ल्यूमिनस क्रिस्टल एस्टैब्लिशेस न्यू आलमिया वाइल द रेग्रेसर्स टर्न ओल्ड आलमिया टू अ न्यू रीजन कॉल्ड रेगिस टेकिंग प्राइड इन द नेम रेग्रेसर। द ल्यूमिनस क्रिस्टल टुक डार्क राइस प्राइमल पावर्स वीकनिंग इट एंड करप्टिंग द क्रिस्टल। द किंग फ्रेड डार्क राइ फ्रॉम द रीनेम क्रिस्टल द शैडो क्रिस्टल एंड टास्क हिम प्रोटेक्टिंग इट। दिस इज द स्टोरी ऑफ एंड आलमिया किंग सीना क्यूसाई। वट इट वॉज मी हु डिफीटेड डार्क राइ इन द पास्ट। Am I the king of both this place and today's Almia? And on top of all that, Kyusai, like you, Kyusai, could it be? Hold on, me, ha ha ha, no way. I mean, it's impossible, isn't it? Certainly the possibility is there. I'm more fascinated about him being king, though. He wasn't king when he got here, which means he became king later, which means he managed to go home. This is incredible, it's basically a time loop. Shut the hell up, who cares? All this useless chit-chat is making me sick. Minka Kyusai, you and your friends are under arrest. What the hell? अब भाई अपना सीधा एकदम खतरनाक बैटल हो रहा है बॉस सीनो के साथ, और अगर इससे मैं हार गया ना तो फिर गंदा सीन होगा। आई डोंट नो मेरे पोकेमॉन का क्या सीन है, हील अप है कि नहीं, सब हील अप है भाई, एक नंबर। ऐसे ही बैटल होते रहे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पोकेमॉन को हील करके चाहे जितना बैटल कराओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये तो फिर गलत वाला सीन हो रहा है भाई इसके साथ। नहीं 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 ओके। अरे यार इसको एचपी क्यों मिल रहा है भाई थोड़ा थोड़ा। चलो स्लैश ने थोड़ा डैमेज दिया और चार हज़ार फेंट हो गया यहाँ पे, ये बड़ा गंदा हुआ भाई। रायचू भाई फोड़ डाल इसको, मेरे को कुछ पता नहीं। मार इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट मार तू मार। अरे यार मार स्टॉम किधर से आ गया भाई तेरे पास, अब क्या करूँ मैं। वेल फ्लाइगोन को भाई बुलडोज लगेगा नहीं, अर्थवेक सॉरी नहीं लगेगा, तो फिर वो ठीक था। और मैं इसको बुलडोज मारूंगा, इसको तो लगेगा भाई बुलडोज, ये ज़मीन पे सॉम्पट में इवॉल्व हो जाएगा तो भी लगेगा। अरे यार मडी वाटर भी आता है इसको, ये दिक्कत वाली बात है, बट कोई बात नहीं। अच्छा वो आइस भी नहीं आता इसको ना, फिर तो फ्लाइगोन जाता था भाई। रियोलू आया ये भी जाएगा भाई। इस चिमगादड़ के पास भी ज़्यादा कुछ पावरफुल वोगन है नहीं भाई, सब छुटकू मुटकू। अब बताओ रियोलू क्या बिगाड़ लेगा भाई फ्लाइगोन का, बिगाड़ सकता है बट फिर भी यार क्या बिगाड़ लेगा। अगर मैं फ्लाइगोन का ट्रेनर हूँगा तो रियोलू छू भी नहीं पाएगा मेरे को यार, मतलब मेरे पोकेमॉन को। हाँ नहीं तो यार वो हवा में उड़ सकता है यार, और रियोलू टुकुर टुकुर करेगा ज़मीन पे, क्या उखाड़ लेगा यार, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अरे इसको भी नहीं लगेगा भाई। अरे वाह तू भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है भाई, मेंटेन पक्का खिलाड़ी है भाई, वो बिहारी गेंद मारते। अवॉइडेड द अटैक, कैसे भाई अवॉइड कर दिया, इतने जल्दी थोड़ी अटैक अवॉइड होता है, पागल बना रहे क्या सब मिल के मेरे को। हाँ नहीं तो यार, अरे नहीं ओ शिट, ये हराम को सुधरेगा नहीं। रायचू भाई फेंट कर इसको यार कैसे भी। अबे क्यों विड्रॉ कर रहा है भाई बार बार भाई, इसको अर्थक्वेक आता है, डोंट फॉरगेट दिस। अपने पास भूलने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा भाई, दिक्कत है अपने पर, बड़ी वाली दिक्कत है यार। शिट एक्वाटेल मारेंगे अपन, हेली पिटेल ड्राई स्किन की वजह से ड्रेसिंग इफेक्ट, ये क्या बात हुई भाई। ओके कोई बात नहीं, वॉल स्विच, ओ शिट शिट शिट, ये बंदा बहुत भाई भाई बहुत खतरनाक पोकेमॉन स्विच कर रहा है, और अब मैं क्या बताऊँ भाई, इसको हराना बहुत मुश्किल है अपने लिए। देख रहे हो फिर से स्विच कर भाई, ये तो गजब आदमी है भाई, ये हराम खोर कहीं का, फिर अर्थ को एक मारेगा भाई। ले लो चलो अब की बार ये तो फेंट हो जाएगा कम से कम, भाई गजब आदमी है भाई, सच में बता रहा हूँ मैं भाई, बहुत बेकार आदमी है यार, ये बार बार स्विच कर रहे हैं पोकेमॉन। आन दे भाई अब की बार मैं कुछ नहीं करूँगा, मारूँगा सिर्फ ड्रैगन क्लॉ। चलो ये भी गया, अब हुआ ना कुछ बात, अब आया भाई मैच में मज़ा। एग्जीक्यूट आ रहे हैं, आने दो अंडे फोड़ देंगे भाई हम, पटक के नहीं पाव रख के, जो मज़ा पाव से फोड़ने में आएगा मज़ा पटक के फोड़ने में नहीं आएगा। ये अंडे गए फट गए बढ़िया बन गया भाई एकदम। आ जा भाई हीलू पिटेल, तेरे को भी दूध दिखाई देते कैसा होता है, ये लो भाई जाके पी ले अभी भाई पोकेबॉल के अंदर। हाँ नहीं तो यार बड़े उड़ रहे थे अभी, आया मज़ा अभी। एक ड्रैगन ने सबकी पुंगी बजा रखी, ये लो ये तो ऑलमोस्ट पूरा ही गया था बट बच गया पता नहीं कहाँ से। ये लो भाई जीत गए ना, हाँ जीत गए। कितना रुपया देगा भाई तू, यू दिस इज ऑल दिस एफर्ट नो, 20,400 ठीक है। वाई आर यू सो श्योर वॉट एवर दैट्स गोइंग ऑन इज ऑन मी दिस वर्ल्ड, इट डजेंट अंडरस्टैंड माई एफर्ट्स, माई मीन्स
द ट्रैवलर इज सो श्योर इन माई टास्क बट आई एम नॉट एनी मोर दिस इज नथिंग टू मी एनी मोर दिस रीजन दिस वर्ल्ड इज नथिंग टू मी यू आर नथिंग टू मी मीका इट्स टाइम लेट मी आउट आई हैव फुलफिल वॉट ही टास्क मी विथ ये तो कृषि लिया है भाई बाहर किसे आगे सीना क्यूस आए आई हैव लेड मीका हियर टू डिफीट डाकर सीना क्यूस आए हैं हैज यू आस्क मी टू डू सो सेंचुरीज अगो क्या बात है वो सच में किएंगे क्या क्रिसेलिया द पोकेन सेड टू बी द ओनली वन टू मैच डाकराय यू आई सेंट यू इन द पास्ट वेट इट मेक्स सेंस द किंग डिफीटेड डाकराय विद हेल्प डिड यू हेल्प मी इंडीड आई वॉज टास्क टू सीक आउट मीका एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प सीइंग यू इज क्वाइट अ सरप्राइज हाउएवर नाउ इट्स टाइम फॉर हिस्ट्री टू रिपीट इटसेल्फ माई अपोलॉजीज यू नो बट आई कॉन्ट टर्न अगेंस्ट क्रिसेलिया द स्क्रिप्ट डोंट लाई एंड वॉट अबाउट गोइंग होम वॉट अबाउट अ डील वंस वी आर डन आई ऑलरेडी प्रोमिस टू क्रिएट अ वे फॉर योर होम आर यू प्लानिंग टू थ्रो ऑल दैट अवे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डील द स्क्रिप्ट क्रिसेलिया इवन आई एम स्टिल हियर इफ आई वॉज मेंट टू टर्न अगेंस्ट क्रिसेलियाज एंड माई ओन विल आई विल बी गॉन नाउ द रियंस एंड एलमिया हु डिडंट एक्जिस्ट बट दे स्टिल डू मीका आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक आई विल लेट यू टेक केयर ऑफ दिस वट द हेल डाकरा आ चुका है curse you sin amika and all of you damn people I'm done with you all time to test my new weapon out once I take care of you all I will wage war with almia why because a war will unite many reasons it will break the well established reason system and create something new that will be capable of stopping you meka kyusai okay dakra ja chuka hai oh shit oh no dakra's realm didn't it collapse wait Sino managed to survive, so I guess the connection was what collapsed, darn it. Mika, do not give up. Darkrai hasn't regained all of his power yet. A connection established between these worlds indefinitely as long as Darkrai is getting comfortable. You've got to hurry then. How much time do I have left? I do not know. He might try to stop you, so be careful, Mika. Okay, guys, here Darkrai ki apan realm mein aa chuke aur yahan pe bhai abhi ganda wala scene ho raha hai. अपन को डाकराई को रोकना है भाई अगर उसने गलती से भी फुल पावर गेन कर लिया तो पोंगी बच जाएगी भाई वेट अ मिनट ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है भाई यहाँ पर द मोर टाइम आई वेस्ट द मोर पावर डाकराई रिगेन्स वेल भाई डाकराई को पावर गेन करने से रोकना होगा अरे पहले जाने दो भी कौन यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या ये क्या है भाई There is a rip in space connecting two parts of this reality. Will you like to go through the portal? Yes, absolutely. Wait a minute. Item ले लेते हैं उसके बाद जो होगा देखा जाएगा भाई ओल्ड गैट्यू मिला अपन को वहाँ से तो कुछ ही नहीं है भाई नीचे ही जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट देयर जस्ट होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर सही बात है रुके रहो मैं आ रहा हूँ एक मिनट तो यहाँ पर क्या है नहीं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आइटम होता तो फिर उसके लिए आया था मैं वैसे बेसिकली कुछ नहीं यहाँ पे फाउंटेन काफ़ी अच्छा है सॉरी फाउंटेन ही वाटरफॉल ओके अनबिलीवेबल डोंट यू हैव डेजा व्यू क्या नाम है भाई स्टैंडिंग हियर इन सम डिफरेंट रियलिटी मी डाकरा एंड द ईयर प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस नॉर्मली आई विल जस्ट लीव यू हियर टू रॉट अंटिल आई क्रिएट दैट न्यू वर्ल्ड टू टेक यू डाउन हाउएवर आई नो फॉर द फैक्ट दैट यू विल रिटर्न एट द वे टू सून सो माइट हैज विल अटेम्प यू नो ओके यहाँ पे भाई डाकरा वर्सेस क्रिसिलिया होगा मेरे ख्याल से तो अपन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ओ आई नो एंड आई एम रेडी टू फेस दैट वंस अगेन आई वॉज अफ्रेड ऑफ दिस मोमेंट फॉर ईयर्स नाइटमेयर्स एंड रेस्टलेस नाइट्स नोइंग वन डे दिस विल हैपन बट ऑडली इनफ आई डू नॉट फील दैट टेंशन इन माई हैंड एनीमोर आई फील एट ईज अ बिट आई एम नॉट प्लेइंग अराउंड एनीमोर सी नो वॉट एवर हैपन्स हियर वॉट वेदर आई रिटर्न और नॉट यू आर गोइंग डाउन हे दैट्स द एक्सप्रेशन आई वॉन्टेड टू सी फॉर सो लॉन्ग देखो गाइस यहाँ पे अभी जो मिस्टीरियस पावर की बात सिनो कर रहा था अब उसमें मेरे को शायद से कंट्रोल आ चुका है मेरे कैरेक्टर का देख लो उसके आजू बाजू रेड लाइट चमक रहा है भाई तो काइंड ऑफ अभी मैं शायद से उस एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ दैट इंटेंस ग्लेयर विथ ऑलमोस्ट मर्डरस इंटेंट कम ऑन मीका सो मी हाउ मच यू हैव चेंज इन 3 years ओके अरे भाई डाकरा है अभी आगे आ चुका है भाई डाकरा है सिनो बॉस सिनो वर्सेस मीका What the hell यार डाकरा है उसका बदल गया है ग्राइमर में भाई उसका डाकरा है लिटरली ग्राइमर में बदल गया है वैसे उसका जो डाकरा है ना भाई वो रिग्रेस फॉर्म में ठीक है ना तो ये ध्यान रखना भाई क्या बताऊँ मैं ओके नो दिस इज़ इम्पॉसिबल
इट्स ओवर सिनो, आई हैव डिफीटेड यू अगेन, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? नो मैटर व्हाट यू डू, आई विल मेक श्योर यू डोंट सक्सीड, दैट्स पार्ट ऑफ माय ड्यूटी. व्हाट डिड आई इवन एक्सपेक्ट, आई एक्सेप्ट माय फेट, आई वाज अ बॉय हु क्राइड वुल्फ, नो वन बिलीव्ड मी, बट वंस द एंड कम्स इट विल बी टू लेट. कम ऑन, दिस वर्ल्ड इज अबाउट टू क्लोज इट डोर्स टू अवर रियलिटी, वंस अगेन जस्ट लीव मी हियर, आई एक्सेप्ट माई पनिशमेंट, और इवन बेटर एंड दिस मिसरी, यू आर ऑन दैट पाथ एनीवे. मैन, आई हैव नो क्लू वॉट यू वॉबलिंग अबाउट द एंड एंड मी बिकमिंग अ मेन्स इज ऑल अबाउट, बट आई हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू दिस टाइम. सेविंग, डोंट टर्न ऑफ द पावर. वॉट भाई, गेम खत्म हो गया क्या सच में? अरे भाई, स्टोरी फिनिश्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई साहब, गेम का डी एंड हो गया भाई, अनएक्सपेक्टेड था ये पूरा. ही इज नॉक्ड आउट, डोंट टेल मी यू, डोंट वरी, ही इज जस्ट नॉक्ड आउट, नथिंग मोर सीवियर आई थिंक. इट सीम्स लाइक सिनो हैड फेल्ड, दैट वॉज पार्सली एक्सपेक्टेड. सिना राइट, आई विल टेक यू होम शॉर्टली, यू विल नॉट स्पीक अबाउट दिस फ्यूचर बैक इन द पास्ट, हाउएवर यू मे यूज द नॉलेज यू एक्वायर्ड हैज यू विश टू द पास्ट. आई सी, आई गेस आई फुलफिल माई ड्यूटी. Hold on, who are you again? Did you come out of that portal? I'm just a traveler, much like you. Which ye bhi traveler hai, matlab isne usko bhadkaya tha Sino ko. I shall go now, Sina. Soon you will return to your own timeline. Say goodbye to them. If they were right, I guess then this is goodbye. So we will just ignore the random fella that appeared out of nowhere. I mean, shouldn't that be a bit concerning? At this point, hardly anything surprises me. To be fair, they were kind of strange, they knew my name as well. They made Sino do all this weirdly, they didn't seem troubled about his failure. I have a feeling, whoever this was, we will see them again. What will you do now, Sina? Also, why were you surprised by your own name? Because that is not my name, I am just Sina. However, Qside doesn't sound too bad. Maybe I will take the name up. Well, if I am destined to be king, I will fulfill that role of mine. Now that I know how to defeat Darkrai with ancient regression, I will show my people the way. I will teach them, find Cresselia and defeat Darkrai. I guess the scripts already told me what to do, haha. I suppose it's time I will say see you all, but you know that's not how it works. Take care all of you. A time loop, fascinating. Sina learned how to defeat Darkrai by doing so now, and now he will do that in the past. Something the scripts already told, so this is amazing. This begs the question though, how did he get here in the first place? Also Mika, what will we do with him? What if his arrival is also tied to this traveler? As for Sino, let's take him to Haven Curiosity. I have some announcements to make for Regress. A few days later, the international police gained intel on the situation by now. They will arrive soon to pick up Sino. Hello everybody. Hello everyone. This broadcast is aired across Regress and several other regions. My name is Mika Qside, but some might know me as Sanjay. I got to this region via an accident. I have come forward to expose a scheme going in Regress that Regress has nothing to do with. This man here is called Sino, but some might know him as Shigeru Qside, which is an alias. He made his way into the government to become head of the military and attempted a waging war with Almia. I would like to address the allegations made against me and my dear regression friends. They were true in a literal sense. We did fight against the police. However, the police was under this man's corruptions. We fought to save Regress, not to overthrow the government. His speech is even in the radio. This is surreal. I still can't believe this is all over. Furthermore, I would also like to point out that Regress seeks no war or conflict with Almia, and can't emphasize enough that Sino's extreme views do not represent the people of Regress. Sanjay is on TV. I mean, Mika is on TV. Wait, so which is his real name? Nahi pata chal raha hai. I, the champion of Kolin, agent of the international police, take full responsibility if there are legal charges in place. Mika, finally, lorry aa chuki hai bhai yahan pe. We were looking all over for you. Regress was low on our search list, so we didn't get here yet. But, we caught the broadcast. You went through so much. Are you all right? How are you feeling? Luca is already on the paperwork, we can go home now. Lori, I miss you so much. It was troubling and my nightmares are still present, but I think I will be fine. Sino is going to prison now, he will not get another shot. Yeah, we can go home. So I might stick around for a bit longer. I need a little break from all the stress and you know,
आई एम कंसिडरिंग लिविंग द पुलिस आई नो द इंटरनेशनल पुलिस इज नॉट लाइक द रिग्रेस्ट हाउ एवर वर्किंग विद द अथॉरिटीज हुड लीव अ बैड टेस्ट इन माई माउथ मेक आर यू श्योर आई सपोर्ट वट एवर चॉइस यू मेक बट डोंट यू वॉन्ट टू वेट अंटिल यू गिव इट सम मोर थॉट ही ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड यू नो बिसाइड्स आई एम डेफिनेटली गेटिंग फायर्ड आफ्टर वॉट हैपन सो बट गाइज हे वाई नॉट गो ऑन अ लिटिल वेकेशन नाउ डैट इट्स ऑल ओवर सम डे हा हा डजंट डैट साउंड गुड हा हा डैट दैट साउंड्स ग्रेट वॉट डू यू से लॉरी हा आई एम बैक इट वॉजन जस्ट अ ड्रीम आई एम एक्चुअली बैक दे यू आर आई थॉट आई लॉस यू हाउ लॉन्ग हैव आई बीन गॉन आर यू ओके इज डार्क राइट स्टिल आउट यू हिट थ्री हेड यू वेर अवे फॉर ओनली सेकेंड सॉरी मी इन डीड डार्क राइट वेल द बीस्ट इज स्टिल नॉट टेम सो आर यू ओके द स्पीकिंग इज वियर्ड आई एम फाइन डिडंट मीन सो स्कैर यू बडी Let's go home to Pure Town. I have something to show you of people. Something that might change our situation with Darkrai. Pokemon Shape 2 Part 3. Okay. Guys, यहाँ पे मेरे ख्याल से game का final ending यहाँ पे आ चुका है. देखो intro चालू हो गया भाई. Intro थोड़ी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार. Game के ending में जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं? Outro बोलते हैं. Outro यहाँ पे आ चुका है. और game अपना भाई end हो चुका है यहाँ पे. अपना story पूरा complete हो गया भाई. तो फिर गेम को खेलने में आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आएगा मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया मेरे को पर्सनली उम्मीद नहीं था भाई कि गेम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा भाई मैं एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई भाई गेम की मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि ये एंड होगा बट ठीक है यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो आउटरोज को स्किप करता हूँ उसके बाद देखता हूँ क्या होता है तब तक आप लोग भाई देखते रहो और अभी मिलते थोड़ी देर में ओके गाइस यहाँ पे गेम की जो स्टोरी ऑफिशियली एंड हो चुकी है और यहाँ पे भाई मैं आ चुका हूँ मतलब जब मैं गेम को बंद करके आया तो यहाँ पे मेरे को मैरगन सिटी के पोकेमॉन सेंटर के बाहर एकदम फेंक दिया गया और उसके बाद जैसे मैं हिलने की कोशिश की यहाँ पे मेरे को प्रोफेसर एस्पन की तरफ से भाई ये मिका गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है तो इसको भाई अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बिकॉज अगर आज अपन कुछ करने जाएंगे तो अपना एपिसोड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है तो आज कोई भी इवेंट करने की मैं फिलहाल मूड में नहीं हूँ और अपने पास इतना टाइम भी नहीं है ठीक है सो गाइस आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता देना मैं बता रहा हूँ भाई पर्सनली मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि भाई गेम ऐसे अनएक्सपेक्टेडली भाई एंड हो जाएगा उसकी स्टोरी एंड हो जाएगी बट अगर अभी भी कुछ पोस्ट गेम बचा हुआ है तो उसको अपन देख लेंगे उसको भी कंप्लीट करेंगे तब तक लेगा इस ग्रुप ऐप सभी को जितने लोग देख रहे हो भाई वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी मिलेंगे नई वीडियो में सब तक ग्रुप ऐप सभी को एंड हैव अ गुड डे